फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र में कुछ दिनों पहले एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप पत्नी और उसके प्रेमी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक पत्नी और प्रेमी के बीच नाजायज संबंधों में रोड़ा बना हुआ था। पुलिस कस्टडी में जा रहे जितेंद्र, गुलशन, हिमांशु और एक महिला है। थाना मक्खनपुर पुलिस ने शनिवार की सुबह गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कुछ दिन पूर्व में विसंबीर नामक युवक की हत्या हुई थी और हत्या को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची और अंजाम दिया था। पुलिस ने शनिवार को हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी समेत चार लोगों को अरेस्ट किया है। हत्या के पीछे पत्नी और उसके प्रेमी के बीच नाजायज संबंधों में बाधा बना हुआ था जिसको लेकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों को मेडिकल के बाद सुसंगत धाराओं में जेल भेज दिया है। मक्खनपुर में 9 तारीख की रात में एक व्यक्ति की गुमशुदगी की सूचना मिली थी और ये हम लोग उसके बाद सीओ शकोहाबाद की और इसे की टीम और एसओ मक्खनपुर सब लोग ने मिल करके उस गुमशुदा व्यक्ति की खोजबीन में लग गए। उसके बाद काफ़ी खोजबीन के बाद ये पता चला कि उस व्यक्ति को जो 3 तारीख को ही गुमशुदा हो गए थे, 6 दिन के बाद थाने में रिपोर्ट कराई गई थी और उसके बाद जो गुमशुदा थे उनकी पत्नी अपने प्रेमी और उनके दो साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करके थाना नाकी क्षेत्र में डेड बॉडी फेंक दी थी। 4 तारीख को ही डेड बॉडी फेंक दी गई थी वहाँ और उसके बाद ये 9 तारीख को यहाँ पे गुमशुदगी लिखाई गई थी। इसमें हम लोगों ने छानबीन करने के बाद जो मृतक विषमवीर थे उनकी पत्नी और उनके बाकी 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और विषमवीर की हत्या में जो प्रयुक्त कपड़ा था स्टिमुलेट करने में जो एक काम जिसको यूज़ किया गया था उसको भी हमने बरामद किया है। एक मोबाइल भी बरामद हुई है जिसको इस घटना में यूज़ किया गया था। बाकी इसमें सभी जो 4 मुलजिम थे मेन सभी लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करके अभी जेल भेजा है। एविडेंस के आधार पर इसका डिस्पोजल